हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन टेक्निकल एंड बिजनेस प्रमोशन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें कि हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपने बिजनेस को गूगल माई बिजनेस को गूगल में फर्स्ट रैंक कैसे लेके आ सकते हैं। मतलब आपने अपने बिजनेस को रजिस्टर तो कर दिया गूगल पे, लेकिन यार उसे आप नंबर एक पर नहीं ला पा रहे हैं, उसका क्या तरीका होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को नंबर एक पर ले आएंगे। कुछ छोटी छोटी आपको टेक्निक्स और ट्रिक्स बताऊंगा। देखिए, आगे चलने से पहले चलो मैं अगेन आपसे बोलता हूं कि जो भी आप वीडियो मेरे देखते हैं और जैसी भी ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूं और जैसा आपको लग रहा है, मैं नहीं कहता कि सारा कुछ आपको अच्छा लग रहा होगा। हाँ, अगर कहीं ना कहीं आपको ये यूजफुल है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर योर कमेंट्स सो दैट आई कैन इम्प्रूव इट एज पर योर रिक्वायरमेंट कि आप किस तरीके की ट्रेनिंग चाहते हैं अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, आज हम गूगल माई बिजनेस की बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ये मेरी एक लिस्टिंग खुली हुई है जो मैंने गूगल पे रजिस्टर कर रखी है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात और बोलूंगा, अगर अभी तक आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जो कि गूगल माई बिजनेस से रिलेटेड है, तो आप उन्हें जरूर देखें। कैसे आप पता कर सकते हैं? देखिए, आपको सिंपल, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आप वहां से प्लेलिस्ट देख ही लेते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो भी मैं आपको रास्ता बता देता हूं कि आप मेरे चैनल को खोलेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे और यहां पे आपको एक मिलेगा गूगल माई बिजनेस का। देखिए, अभी तक दो वीडियो मैंने बनाई है, ये दो वीडियो क्या है आप देख लीजिए। पहली वीडियो हाउ टू प्रमोट योर बिजनेस ऑन गूगल, गूगल पर बिजनेस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा है कि गूगल माई बिजनेस क्या है और आप लिस्टिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम रैंक वन कैसे ला सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। देखिए, मैं इनकॉग्निटो विंडो में google.co.in ओपन करता हूं। मेरी जो लिस्टिंग है मैंने कर रखी थी, बहुत पुरानी लिस्टिंग है, लेकिन ड्यू टू कोविड मैंने इसे बंद कर दिया था क्योंकि कॉल्स आती थी जिससे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, लोग लोकेशन तक नहीं पहुंच पाते थे, मैंने बंद कर दिया था। अभी कुछ दिन पहले मैंने इसे फिर से ऑन कर दिया। तो देखिए, फॉर एग्जांपल, पीपल आर सर्चिंग डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन प्रताप बिहार गाजियाबाद, राइट? मैंने एंटर मार दिया। देखिए, ये अपने आप सजेशन दे देता है जो राइट होती है। जब किसी ने ये सर्च किया तो देखिए, कम फॉर एसईओ डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ ट्रेनिंग गाजियाबाद नोएडा, दिस इज माय वेबसाइट, राइट? जैसा कि आप जानते ही हैं। और अगर यहाँ वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो देखिए मेरी वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी कम फॉर एसईओ की। तो ये हमारा लोकल लिस्टिंग है, कैसे मैंने प्रमोट किया, क्या किया है, आज मैं आपके साथ अपनी टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए मैंने ये लॉगिन किया हुआ है, सबसे पहले मैंने ये देखा। तो आपको रैंक कराने के लिए कौन सी टॉप टेक्निक्स हैं जो याद रखनी है? फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, आपको जरूर कुछ टेक्निक ऐसी मिल जाएंगी जिसे इम्प्लीमेंट करने के बाद आप कहेंगे वाओ, ये वास्तव में काम कर रहा है। तो देखिए, मैं आपको आज ज्यादा नहीं बता रहा, हम इन्फो पे जाते हैं, सिर्फ हम ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। मैंने बहुत सारी वीडियो ऐसी देखी है यूट्यूब पे जो लोग केवल लिख तो दिया उन्होंने कि हम ट्रिक्स बताने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कैसे बिजनेस को ऐड करते हैं ये बता दिया, लेकिन आज मैं सिर्फ ट्रिक्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले अगर आप मेरा देखें, देखिए ये टाइटल है, मैंने टाइटल को किस तरीके से लिखा हुआ है, मैंने ब्रांड नेम लिया हुआ है, उसके बाद अपनी सर्विस ली हुई है, उसके बाद लोकेशन। तो पहली ट्रिक्स है कि आपको अपना टाइटल इसी तरीके से लिखना है, ब्रांड सर्विस एंड योर लोकेशन, ये आपको टाइटल में यूज करना है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फ्रेंड्स, आज चेंज करके देखो, आई गारंटीड कि अगले 2 से 3 दिन में आपकी रैंक जो भी होगी वो अप हो जाएगी। अगर आपकी फोर्थ पे है तो थर्ड पे आ जाएगी, टेंथ पे है तो एट्थ पे आ जाएगी, अप हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि कितनी आ जाएगी, लेकिन अप हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा जो कैटेगरी का सेक्शन होता है, शायद आपको नहीं पता होगा, इसमें हम 12 कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ एड अनदर करूंगा, आप करके देखेंगे तो 12 कैटेगरी होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जितनी ज्यादा से ज्यादा कैटेगरी आप इसमें डाल सकते हैं, आप उतनी कैटेगरी डालिए जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। ये हो गई सेकंड।
अब हम बात करते हैं थर्ड पे। देखिए ये सारी चीजें होती हैं जो जरूरी चीजें हैं रैंक कराने के लिए, दो मैंने आपको बता दी। थर्ड ट्रिक के बारे में बात करता हूँ, सर्विस एरिया। ठीक है, ये आपको आप अपनी सर्विस को कहाँ कहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। मैंने कहा है मैं नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में करा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो लोकल बिजनेस है कहाँ कहाँ आप उस बिजनेस को बिजनेस दे पाएंगे, अपनी सर्विस दे पाएंगे, वो आपको इसमें ऐड करना है। थर्ड के बाद हम बात करते हैं फोर पे। देखिए फ्रेंड्स, सीधे चले आइए आप यहाँ पे, कि ये URL बनता है जो कि अभी 8 से 9 महीने पहले ही गूगल माई बिजनेस ने अपडेट किया है, हार्डली 1 ईयर हो गया होगा। यहाँ अपना जब कोई भी नाम दे देंगे, 3 बार आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसका यूज करके डायरेक्ट आप अपने लोक बिजनेस के पेज पे आ जाते हैं। आपको दिखाऊंगा बाद में, अगली वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। फोर्थ जो ट्रिक है उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, सर्विसेस। राइट, इसमें आपको अपनी सर्विसेस ऐड करनी है। जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं, जितनी भी सर्विसेज आप रिलेटेड है वो सारी आप ऐड कीजिए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्विसेज के बाद जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज्यादा बिजनेस को यूजफुल होता है, वो है हमारा डिस्क्रिप्शन। देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको, अगर आप मेरा डिस्क्रिप्शन लिखने का तरीका देखेंगे, देखिए अगेन आई हैव यूज माय ब्रांड नेम कम्फोर SEO, मैं अपना ब्रांड लेके चलता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, मैंने इसमें कीवर्ड यूज किया है इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इस तरीके से आपको ये लिखना है कि इसमें आप ज्यादा से ज्यादा अपने टारगेटेड कीवर्ड को यूज कर पाए। फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही जरूरी होता है। तो ये आज की 5 टेक्निक्स थी। इसके बाद आज मैं आपको एक और ट्रिक बताने जा रहा हूँ दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी होगी तो ये तो वो सारी चीजें हैं जो ऑलमोस्ट लोग सारे करते ही करते हैं, लेकिन एक आज आपको ऐसी ट्रिक्स बता रहा हूँ जो बहुत ही काम करती है। आपको करना क्या है फ्रेंड्स, पोस्ट में जाना है, और आप अगर अपनी लिस्टिंग को चाहते हैं हमेशा टॉप पर रहे, तो ये मान लीजिए कि आपको वीक में 2x और 3x ये पोस्ट यहाँ पे अपडेट करनी है। इस पोस्ट के फायदे क्या है, इससे क्या होता है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये मान के चलिए मैंने ये पोस्ट डाली, ठीक है, और उसके बाद कोई गूगल पे जाता है, जैसे हम google.co.in की बात करते हैं, और वहां पे कोई जाके मेरे ब्रांड को सर्च करता है, तो देखिए कितने फायदे होते हैं। मैंने कम्फोर SEO डाला, और ये देखिए इसे नॉलेज ग्राफ बोलते हैं, जो राइट हैंड साइड में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड नॉलेज ग्राफ। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मेरी वो सारी इन्फॉर्मेशन आई जो मैंने वहां डाल रखी है। उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो देखिए 2 hours ago मैंने पोस्ट डाली है आप लोगों को बताने के लिए ही, कि देखिए क्या होता है, बेसिक एक्सेल ट्रेनिंग फॉर बिगिनर्स इन हिंदी, फ्री एक्सेल ट्रेनिंग। जब मैं यहाँ डायरेक्ट क्लिक करूंगा तो मैं कहाँ चला जाऊंगा, अपने यूट्यूब चैनल पे चला जाऊंगा। तो फ्रेंड्स देखा ये कितनी, मतलब पोस्ट से आपको कितना फायदा हुआ, एक तो आपकी जो लिस्टिंग थी वो अपडेट हो गई, दूसरा आप वहां पे जो भी ब्लॉग डाल रहे हो, वीडियो डाल रहे हो, कोई भी पेज डाल रहे हो, वो ऑटोमेटिकली प्रमोट हो रहा है, लोग उसे विजिट करेंगे, और वहां पे आप ट्रैकिंग लगा सकते हो। उस ट्रैकिंग लगाने के बाद आप देख सकते हो कितने लोगों ने वहां पे क्लिक किया है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की जो बहुत जरूरी टेक्निक्स थी। और फ्रेंड्स मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने आपको सिर्फ बता दिया, आप इसे इम्प्लीमेंट करें अपनी लिस्टिंग पे। इम्प्लीमेंट करने के बाद आप देखें 2 से 3 दिन में, मतलब जो मैंने आज 5 चीजें बताई आपको वो उसी हिसाब से करें जैसे मैंने बताया है। उसके बाद 5 करने के बाद आप हर 2 दिन में अपनी लिस्टिंग को अपडेट कीजिए। अगर दोस्तों आपकी लोकल लिस्टिंग रैंक ना करे तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं आपसे बोलता हूं कि आपकी रैंकिंग को, उस केस में आपकी लिस्टिंग को मैं रैंक करके दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं उसका कोई आपसे चार्ज नहीं लूंगा। ये ट्रिक्स मैं ये गारंटी इसलिए देता हूं कि ये सारा मैंने किया है और कर रहा हूं, और इसीलिए मैं आपको इस तरीके से सिखा रहा हूं, जिसमें कि मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि ये ट्रिक्स काम करती है और करेगी, और जो भी अपडेट होंगे मैं आपको दूंगा फ्रेंड्स इसमें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो जो है आपके बिजनेस में आपको क्वेरी जनरेट करने के लिए, लीड जनरेट करने के लिए, नंबर ऑफ कॉल्स इंक्रीज करने के लिए काफी यूजफुल होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से हम गूगल माई बिजनेस के इनसाइट्स को कैप्चर करते हैं, कैसे हम रिपोर्ट बना सकते हैं, कौन कौन सा डेटा हमारे लिए यूजफुल होता है और उसका क्या यूज होता है। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज शेयर योर कमेंट एंड सजेशन, जिससे कि मैं इस चैनल को आपके लिए और ज्यादा यूजफुल बना पाऊं। थैंक यू दोस्तों।